हुजूर ने फरमाया फातिमा मैं रात आपके घर में क्याम करूंगा। सैयदा ने कहा या रसूलल्लाह बिस्मिल्लाह ये तो कमाल हो गई। हुजूर ने रात वहां क्याम किया, इमाम हसन ने दूध मांगा। अच्छा हदीस के रावी मौला अली शेरे खुदा है, कहते मैं चुप करके सो रहा था, मैंने साइड पे चादर ओढ़ी और मैं आराम कर रहा था, इमाम हसन ने दूध मांगा। सैयदा फातिमा उठने लगी तो फरमाया नहीं फातिमा आज मेरे साथ सोए हैं, दूध भी मैं ही पिलाऊंगा। हुजूर उठे, बकरी का दूध धोया, फिर उसे बर्तन में डाला। अभी हुजूर इमाम हसन को देने लगे थे कि इमाम हुसैन ने भी मांग लिया। हुजूर ने फरमाया नहीं भाई, पहले हसन को मिलेगा। तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करने लगी या रसूलल्लाह लगता है हसन से ज्यादा प्यार है। फरमाया नहीं फातिमा, प्यारे दोनों ही बड़े हैं, पर मांगा पहले हसन ने है ना, मांगा पहले हसन ने। फिर हुजूर फरमाने लगे, हजरत अली फरमाते, कहते हुजूर फरमाने लगे फातिमा तू भी मैं भी हसन भी हुसैन भी और ये जो सो रहा है। कहते मैं तो चादर ओढ़ी हुई थी ना। फरमाया फातिमा मैं भी तू भी हसनैन भी और ये जो सो रहे हैं। फरमाया सारे मिल के जन्नत में दाखिल।